हयातुल्ला अंसारी। गालिबन ये 1985 की बात है। शोबे उर्दू से मेरी वाबस्तगी बहसियत रिसर्च साइंटिस्ट की थी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, रिसर्च की हद तक तो सही है, लेकिन साइंटिस्ट और उर्दू दोनों में बड़ा तजाद है। अगर कोई उर्दू वाला है तो साइंटिस्ट कैसे है, और साइंटिस्ट है तो उर्दू में उसका क्या काम। साइंस के तजर्बात से भाग कर तो लोग उर्दू में आते हैं, यहाँ भी अगर साइंटिस्ट कहलाए तो फिर उर्दू में आने का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जो भी हो, बताने में अच्छा लगता था, जबकि सुनने वाला ज़रूर हैरान होता था कि उर्दू वाला कैसे साइंटिस्ट बन गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे शोबे में सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इस कोर्स में उर्दू से मोहब्बत करने वालों को उर्दू सिखाई जाती है। अमूमन इसमें बड़ी उम्र के लोग होते हैं। जब मैंने इसका निसाब देखा तो इसमें एक किताब शामिल थी जिसका नाम था 10 दिन में उर्दू, और इसके लिखने वाले थे हयातुल्ला अंसारी। यूँ तो हयातुल्ला अंसारी से हमारी मुलाकात पहले से थी, लेकिन बहैसियत फिक्शन निगार और सहाफ़ी की थी। जदीद मौलवी इस्माइल मेटी की हैसियत से नहीं थी। किताब का नाम देखकर हमने सोचा कि जब 10 दिन में उर्दू सिखाई जा सकती है तो फिर तलबा को 1 साल क्यों बर्बाद किया जाता है। 10 के बाद 11वें दिन ज़बानी इम्तहान लेकर सर्टिफिकेट हाथ में थमाएं और रुख्सत करें। खैर, इसमें हमें इख्तियार नहीं, ये यूनिवर्सिटी का मामला है कि वो 10 दिन के कोर्स को 10 महीने में पढ़ाएं या 10 साल में। हमने किताब मंगाकर देखी कि देखते हैं किस तरह गैर उर्दू वालों को 10 दिन में उर्दू सिखाई जा सकती है। किताब देखकर तो हम हैरान हो गए। किताब की इब्तदा में ना अलिफ, ना बे, ना पे, ना आगे के हरूफ, ना अलिफ से अनार, ना बे से बत्तख। हम सोचने लगे जब पे से पतंग नहीं होगी और ते से ताला और सीन से सरोता नहीं होगा तो तलबा को उर्दू हरूफ की शनाख्त कैसे कराएंगे। 10 दिन में उर्दू में तो पहले सफ़े पर इतने लाला नज़र आए कि उर्दू ज़बान लालाओं की महसूस होने लगी। हमने अपने एक सीनियर उस्ताद से मालूम किया कि हयातुल्ला अंसारी साहब के इस कायदे से कैसे उर्दू पढ़ाई जाएगी, इसमें तो लाला लाला ही लाला नज़र आ रहे हैं। उन्होंने उस्तादाना अंदाज में कहा कि ये साइंटिफिक तरीक़ा है उर्दू सीखने का। अलिफ बे पे ते टे से वाला कायदा अब पुराना हो गया। हमें उनकी सीनियरिटी का लिहाज रखते हुए उनकी बात तस्लीम करनी पड़ी। क्या अब ना अनार खाया जाएगा, ना बतख तैरेगी, ना ताला लगेगा और ना पतंग उड़ेगी। अब तो लालाओं का ज़माना है, लालागिरी चलेगी। दिल में ये इरादा लेकर पढ़ाना शुरू कर दिया कि किसी दिन हयातुल्ला अंसारी साहब से फिर मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि आपने लाला को इतनी अहमियत क्यों दी, क्या आपने आज़ादी की लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि आप उर्दू से आम, अनार, हुक्का, ऐनक और लट्टू निकाल कर लाला को थमा देंगे। फिर ख्याल हुआ कि वो पतले दुबले नहीफ से बूढ़े आदमी लाला के मुकाबले किसी और को कैसे ला सकते थे।
अलीगढ़ में जब हम पढ़ते थे तो अंसारी साहब का बहुत जिक्र सुना था। काजी अब्दुस्सत्तार साहब बड़े एहतराम से उनका नाम लेते थे। अंसारी साहब प्रेमचंद के ज़माने के लिखने वाले थे, गांधी जी के साथ थे। उनका ऐसा असर कबूल किया था कि तमाम ज़िंदगी उनकी तरह जिंदगी गुजार दी। तालिबे इल्मी के ही ज़माने में ये ख्वाहिश थी कि किसी दिन ज़रूर लहू के फूल जैसा तवील नावल लिखने वाले नावल निगार और आखिरी कोशिश जैसा अफसाना लिखने वाले अफसाना निगार से ज़रूर मुलाकात करेंगे। वो तो प्रेमचंद के ज़माने के हैं, उन्होंने न सिर्फ प्रेमचंद को देखा है बल्कि उनकी तरह हिंदुस्तान के देहात पर लिखा भी है। फिर एक दिन जब मैं दिल्ली आया, मालूम हुआ अंसारी साहब वेस्टर्न कोर्ट में रहते हैं। वेस्टर्न कोर्ट जनपद के पास है। मैं हिम्मत करके वहाँ पहुँच गया, अपना तारुफ कराया, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अंदर सुल्तान आपा भी मौजूद थी। मैं इतने बड़े आदमी की सादगी और खुलूस देखकर हैरान हुआ। अंसारी साहब पतले दुबले खादी का कुर्ता पजामा पहने हुए थे, मेरे पहुंचने पर पतली सी खादी की टोपी भी लगा ली। सर के बाल तकरीबन रुखसत हो चुके थे, आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा, चेहरे में कुछ शबाहत लाल बहादुर शास्त्री जी की सी थी, लेकिन कद में शास्त्री जी से निकलते हुए थे। मैंने प्रेमचंद का अफसाना कफन भी पढ़ा और हयातुल्ला अंसारी का आखिरी कोशिश भी। न जाने क्यों आखिरी कोशिश ने मुझे ज़्यादा मुतासर किया। दोनों अफसाने उर्दू के बड़े अफसाने हैं। खुद मैंने तालिबे इल्मी ही के ज़माने में इसी मौजू पर एक अफसाना लिखा जो लखनऊ के रिसाले सुबह अदब में 1975 में शाये हुआ। अंसारी साहब और सुल्तान आपा से बहुत देर तक बातें होती रहीं। वो अपने तजर्बात बयान करते रहे, अदब के, सियासत के, सहाफत के। मैं सादतमंद तालिबे इल्म की तरह हमतन गोश था। अंसारी साहब के कमरे में अखबारात फैले हुए थे। उस वक्त वो हफ्त रोज़ा सब साथ निकालते थे। बेशतर काम वो खुद करते थे। उनका हौसला और अज़्म गांधी जी की तरह पुख्ता था। जब मैं दिल्ली गया तो कई बार उनसे मुलाकात हुई। एक बार हमने गालिब एकेडमी में एक प्रोग्राम रखा, उन्हें दावत दी और वो तशरीफ़ लाए। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर मुनिस रज़ा, साबिक वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, मदन गोपाल, असगर अली इंजीनियर और प्रोफेसर कमर रईस भी मौजूद थे। इस आज 21वीं सदी में उर्दू में बहुत से अखबारात निकलते हैं। बेशतर अखबारात ने वही तरीक़ा इस्तेमाल किया है जो हयातुल्ला अंसारी ने अपनी इदारत में कौमी आवाज़ का कायम किया था। हर सियासी पार्टी को मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही पार्टियों को आवाम से करीब करते हैं या दूर भी कर देते हैं। कांग्रेस ने 1945 में उर्दू का अखबार कौमी आवाज़ शुरू किया। हयातुल्ला अंसारी इसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1972 में उन्होंने ये इस खिदमत से सुबुकदोशी इख्तियार की। अंसारी साहब ने उर्दू सहाफ़त के मयार को बुलंद किया। उन्होंने अखबार की गलतियों को दूर करने के लिए एक तरीक़ा निकाला। ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था कि आज के अखबार में जो कमियां हैं उनकी निशानदही कीजिए। उनका ये नोटिस बोर्ड बहुत मशहूर हुआ। न ऐसे अब सहाफ़ी मिलेंगे और न ऐसे इंसान। उनका कहना था कि अब कोई पैगंबर तो पैदा होगा नहीं। इंसानियत को फ़रोग देने की ज़िम्मेदारी सहाफ़ियों और अदीबों को ही निभानी पड़ेगी। तमाम ज़िंदगी उन्होंने अपने कलम से वो ज़िम्मेदारी निभाई। भरे बाजार को मदार बनाकर शकिस्ता कंगूरे का घरौंदा संवारने के लिए लहू के फूल लेकर आखिरी सांस तक
ठिकाना तलाश करते रहे। वो वाकई एक मुजाहिद थे, ज़िंदगी से कभी हार नहीं माने। 10 दिन में उर्दू सिखाने का वादा किया था, 10 दिन में हिंदी भी सिखा गए। 10 दिन में उर्दू की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मकबूलियत देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे मालूम करूं कि ये उर्दू सिखाने का कौन सा साइंटिफिक तरीक़ा है। अलबत्ता साइंटिफिक तरीक़े की इस्तलाह सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं उर्दू में रिसर्च साइंटिस्ट हूं तो ठीक हुई हूं। जब उर्दू सिखाने का साइंटिफिक तरीक़ा हो सकता है तो उर्दू में रिसर्च साइंटिस्ट क्यों नहीं हो सकता।